एक समय की बात है, गुरु रामानंद जी तीर्थ यात्रा करते हुए राजस्थान के एक माधवपुर गांव में जा रुकते हैं। बताते हैं वहां उनका एक सेवक जाट धर्म सिंह, उनका बड़ा प्रेमी था, बड़ा भक्त था। वो उनके घर पर चले जाते हैं, भक्त ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। बताते हैं रात को गुरु रामानंद जी ने उनको सत्संग सुनाया। तो बताते हैं धर्म सिंह के एक 5 साल का बच्चा था जिसका नाम धर्म सिंह था, प्यार से उसे धन्ना कहते थे। वो भी बड़ी लगन से और बड़े ध्यान से सत्संग को सुन रहा था। गुरु महाराज रामानंद जी किस तरह सत्संग सुना रहे हैं, टूट बरम के ताले तो पूंजी ला गुरु ज्ञान की, जा टूट बरम के ताले तो पूंजी ला गुरु ज्ञान की, भाई पूंजी ला गुरु ज्ञान की, वो पूंजी ला गुरु ज्ञान की, पूंजी ला गुरु ज्ञान की, वो पूंजी ला गुरु ज्ञान की, जा टूट बरम के ताले भरम के ताले पूंजी ला गुरु ज्ञान की। सत्य मन से ध्यान धरे तो कौन बतावे घाट तने, भाई कौन बतावे घाट तने, सच्चे मन से ध्यान धरे कौन बतावे घाट तने, भाई कौन बतावे घाट तने, ओए कर बुद्धि की सुधि में जा, ईश्वर यो कट घाट तने, ईश्वर यो कट घाट तने, तू सुरत भजन में लाजे फिर मेरे कर भगवान की, तू सुरत भजन में लाजे मेरे कर भगवान की, जा टूट भरम के ताले तू पूंजी ला गुरु ज्ञान की, जा टूट भरम के ताले तू पूंजी ला गुरु ज्ञान की। महाराज तेरे मूर्ख नर, सदा तुमने जनों को सताया है, बहुत जुल्म कमाया है, ये इंसान का चोला ऐसे ही कमाया है, दिन रात तुमने जो लोभ लालच से जो कमाई की वो तेरे साथ नहीं चलनी, नहीं तेरे हाथ आनी, तूने उस भगवान का कभी नाम नहीं लिया, ऐसे बता रहे हैं। जीव सताना जुल्म कमाना के मिल जाए इंसान तने, वो के मिल जाए इंसान तने, जो जीव सताना जुल्म कमाना के मिल जाए इंसान तने, के मिल जाए इंसान तने, रात कमाया हाथ न आया भजा नहीं भगवान तने, वो भजा नहीं भगवान तने, यमदूत आवे गतलाले तन चिंता हो जा जान की, यमदूत आवे गतलाले तन चिंता हो जा जान की, जा टूट भरम के ताले ला पूंजी ला गुरु ज्ञान की, जा टूट भरम के ताले पूंजी ला गुरु ज्ञान की। तेरे पाच पछतावेगा मन क्यों ना अच्छा कर्म करया, वो क्यों ना अच्छा कर्म करया, भाई फिर पाच पछतावेगा मन क्यों ना अच्छा कर्म करया,
तयावे डकराले तन उजा चंता जान की जाटू भरम के ताले ला कुंजी ला गुरु जान की जाटू भरम के ताले कुंजी ला गुरु जान की सतगुरु की शरण में जो जीव चला जाता है वो भाव से पार हो जाता है। कैसे बताया भाई गुरु तार दे पार बंद चरणा के मैं लागे ने वो चरणा के मैं लागे ने गुरु तार दे पार बंद चरणा के मैं लागे फिर दोबारा टैम मिलना भगत पड़ा है जागे ने भगत पड़ा है जागे ने कृष्ण लाल रावण याले कर सेवा संदरबान की कृष्ण लाल रावण याले सेवा संदरबान की जाटू भरम के ताले पूंजी ला गुरु ज्ञान की जाटू भरम बताते हैं कि गुरु महाराज की महिमा जब भक्त में धन्ना ने सुनी तो कहने लगी कि मैं भी भगवान का भक्त बनूंगा, भक्ति करूंगा और पूजा करूंगा। तो भजन के द्वारा से 5 वर्ष के क्या कहते हैं ओ गुरु ऐसा दे दो ज्ञान मन है हाँ ध्यान चरण में लाया है गुरु ऐसा दे दो ज्ञान मन हो ध्यान चरण में लाया गुरु ऐसा दे दो ज्ञान मन हो ध्यान चरण में
सत्य असत्य का बेरा पट जा, मनवा एक जगह पट जा। मने सत्य असत्य का बेरा पट जा, मनवा एक जगह पट जा। मन का पटी से तान ओ मन धन चरण में लाया है गुरु, ऐसा दे दो ज्ञान मन थर धन चरण में लाया ओ गुरु, ऐसा दे दो ज्ञान मन धन चरण में शालिग्राम भगवान की पूजा करूंगा, कृपया मुझे भी भगवान दे दो। और एक शब्द हरी महिमा का है गुरुजी, और सुनाओ। तो कहते हैं गुरुजी, छोटे से धना को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दे करके भजन के द्वारा क्या बता रहे हैं। Ha
लगती न्यारी माया, समालक की न्यारी माया, कैसा अद्भुत खेल दिखाया, कैसी सुंदर दे दिखाया रे अनसान की, हो कब तक करूं रे बड़ाई भगवान की, हो कब तक करूं रे बड़ाई भगवान की। अटारी मजग रही ज्योति, अटल अटारी मजग रही ज्योति, तेरी काया में हीरे मोती, तेरी काया में हीरे, होए होए जलमल होती रे यातुरिया पद दान की, ओ हो कब तक करूं रे पढ़ाई भगवान की, हाँ कब तक करूं वक्त पूछते हैं कि हे गुरुजी कोई ऐसा उदाहरण समझाओ मेरे को, अब उसने ऐसा क्या रच रखा है, मैं तो बच्चा हूं मेरी समझ में तो आ जाएगा। बताते हैं गुरुजी उसको एक जिंदा मिसाल देते हैं, देखो बेटा तेरे लिए उस भगवान ने क्या क्या बना के भेजा है, क्या बताया। ईश्वर की लीला नारी, उस ईश्वर की लीला नारी, उस ईश्वर की लीला नारी, अन्न जल दूध और फल तरकारी, अन्न जल दूध और फल तरकारी, हाँ हाँ उसने चीज बना दी सारी तेरे लिए खान की, हो कब तक देकर के धन्ना से एक वचन लेते हैं कि बेटा भगवान को नहला के स्नान करना, भगवान को भोग लगा करके भोजन करना और अपने माता पिता की सेवा करना, गुरु वचन में रहना। महाराज तो चले जाते हैं, कहते हैं अब धन्ना अगले दिन भगवान की मूर्ति के सामने स्नान करवा करके भोजन लेकर के बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार आओ आओ जिलाओ भोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ।
सरसों का साग बाजरे की रोटी, सरसों का साग बाजरे की रोटी, माखन गेल में रस मोटी मोटी, माखन गेल में रस मोटी मोटी, किस्ता बैठ रहा दो नंद के लाला जी, किस्ता बैठ रहा दो नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी। मोर मुकट सुन मुरली वाले, मोर मुकट सुन मुरली वाले, चुपके चुपके भोग लगा ले, चुपके चुपके भोग लगा ले, ना हंसी करेंगे लोग ओ नंद के लाला जी, ना हंसी करेंगे लोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी। मंत्र न जानो जंतर न जानो, मंत्र न जानो जंतर न जानो, मैं तो सब कुछ तुमको ही मानो, मैं तो सब कुछ तुमको मानो, तुम पूजन के योग ओ नंद के लाला जी, तुम पूजन के योग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी। बताते हैं वो 5 वर्ष का धना वक्त भगवान को भोग लगाने पर कितना खुश हो रहा है, कैसे वो उनका गुणगान कर रहा है, कैसे बताया। एकदम चाल विहंगम होगी, एकदम चाल विहंगम होगी, कृष्ण लाल वैद वही रोगी, कृष्ण लाल वैद वैर, कट तो राशि के रोग ओ नंद के लाला जी, कट तो राशि के रोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ लगाओ भोग ओ नंद के लाला जी, आओ आओ। कहते हैं जब धन्ना जी भोग लगा रहे थे तो खुश होकर के भगवान ने प्रकट होना पड़ा। जब धन्ना को परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हंसते रोते हर वक्त बस हरि चरणों में ही ध्यान लगा रहता था। तो बताते हैं जब धन्ना जवान हो जाते हैं, उनकी शादी कर दी जाती है उनकी धर्म पत्नी, वो इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। जब उसको ये पता लगा कि धन्ना भक्ति का मार्ग अपनाए हुए हैं तो एक बात के द्वारा उसको समझाती है, कैसे बताया। पढ़वा लिए क्यों ना कान तो कान, तू जब ते ब्याह करवावे था, पढ़वा लिए क्यों ना कान तो कान, क्यों जब ते ब्याह करवावे था।
ते ब्याह करवावे था। बताते हैं वो समझा रही है कि ऐसे तो गृहस्थी का काम नहीं चलेगा, अगर आपने यही काम करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की थी आपने, उस वक्त आपका ध्यान कहां था। कैसे समझा रही है वो, तेरे लग्या भजन का खटका, तेरे लग्या भजन का खटका, मेरा तू पकड़े था पटका, मेरा तू पकड़े था पटका, किस जहरा था जान ओ जान, तेरा कित दारा था जान, का काम नहीं करोगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा, क्या बता रही। तू साधु नहीं घर बारी से, तू साधु नहीं घर बारी से, तेरी रोवे घर में नारी से, तेरी रोवे घर में नारी से, तेरा कित होगा कल्याण कल्याण, तो जब ते ब्याह करवा करवा। आखिर में वो कहती है अगर आप इस रास्ते को नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने पियर चली जाऊंगी, वो इस बात का छोटर बताती है आपके इस रास्ते हट जाए, लेकिन कैसे अपनी भक्ति में लीन था। क्या हुआ, तेरे घर ने छोड़ चली दा, तेरे घर ने छोड़ चली दा, मैं तड़के करोड़ चली दा, मैं तड़के करोड़ चली दा, जेलू दर्शन पे मैं ज्ञान ओ ज्ञान, क्यों जब ते ब्याह करवावे था, पढ़वा लिए क्यों ना कान ओ कान, क्यों जब ते ब्याह करवावे था, दोनों का मन मुटाव होता रहा, धन्ना भक्त सच्चे मन से लगे रहे। एक दिन आषाढ़ का महीना किसी के घर पर सत्संग होने को जा रहा था तो धन्ना की जाटनी ने कहा कि भगत जी आज आप सत्संग में मत जाना क्योंकि कल आपने जवार बोनी है, अगर रात को जाओगे सत्संग में तो सुबह नींद नहीं उठ सकते और नींद में गाफिल होकर आप बैलों को फाली भी मार सकते हो। तो धना बोले आज तो आप भी चलो देवी और मैं तो जरूर जाऊंगा। इस बात पर झगड़ा होता है, धना की जाटनी पूछती है कि ऐसा क्या मिलता है वहां। तो धना बताते हैं
क्या मिलता है। लगी हृदय में फटकार गुरु ने ऐसा नाम दिया गुरु ने, हृदय में फटकार गुरु ने ऐसा नाम दिया। लगी हृदय में फटकार गुरु ने ऐसा नाम दिया। दोनों का झगड़ा होता रहा। वो कहती है आज सत्संग में नहीं जाने दूंगी, वो कहता है आज मैं जरूर जाऊंगा। वो झगड़ा करती है कि या तो आज मैं रहूंगी या तेरा सत्संग रहेगा, देखो तू कैसे जाता है। तो धना भक्त एक बात के द्वारा समझाने लगे उनको, कैसे बताया जाटली तो मत करिए तकरार, मन रसत संग में जाना से जाटनी तो मत करिए तकरार।
नर सत्संग में जाना से दासनी तो मत करिए तकरार मनर सत्संग में जाना से नाले आनंद हो जा काया ओ नाले आनंद हो जा काया वैसे हो माया की कसूती तार मन रसत संग मैदाना से वैसे क्या की कसूती तार मन रसत संग मैदाना से ओ दातनी तो मत करिए तकरार मन रसत संग सुरती लाई जिन हर मैं सुरती लाई उनकी हो जा सफल कमाई उनकी हो जा सफल कमाई बाहोगी मीरा बाई पार मन रसत संग में जाना से दाटनी तो मत करिए तकरार मन रसत संग में जाना से वो दाटनी मेरा ध्यान लगा रही हो तुम मैं जरूर जाऊंगा चाहे मेरे को आप हजार गाल दो मैं सच्चे में जरूर जाना है तेरा काम अपने आप गुरु महाराज की दास से हो जाएगा कैसे बता रहे हो जिन गुण गोविंद के गाए जिन गुण गोविंद के गाए उनके हो गए भाग समाए उनके हो गए भाग समाए चाहे मन दे ले तू गाड़ हजार मन रसत संग मैदाना से फिर चाहे मन दे ले गाड़ हजार मन रसत संग मैदाना से उजाड़नी पर मत करिए तकरार मन रसत संग दर्शन मेला वो दुनिया दो दिन दर्शन मेला बण प्रसन्न शर्मा का चेला बण प्रसन्न शर्मा का चेला जाटनी जिका सेर गरौड़ दरबार मन रसत संग मैदाना से जाटनी तो मत करिए तकरार मन रसत संग मैदाना से बताते हैं वो उसकी भक्तनी मानती नहीं है वो कहती मैं एक पैर की तेरे साथ झगड़ा करते हो गया है अब मेरी बात मान जाओ चुपचाप अपनी खटोली में जाके पड़ जाओ किस प्रकार वो उसको प्यार से धमका रही है वो तो नहीं एक पैर की कहरी सू के करना को ना काम तन तो नहीं एक पैर की कहरी सू के करना को ना काम तन मैं एक पैर की कहरी सू के करना को ना काम तन
पुजारी है बावड़े, कर्म काम का तो मेरो है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, कौन से सत्संग में लगा हुआ है, कैसे बता रहे हैं। कर्म काम का मेल बतावे, कर्म काम का मेल बतावे, ऋषि महात्मा नु समझावे, ऋषि महात्मा नु समझावे। और गीता में भगवान तने के करना को ना काम तने, और गीता में भगवान तने के करना को ना काम तने, तने एक पैर की पैरी सू के करना को ना काम तने। साथ बैठ के सत्संग में दिन रात बैठ के, सत्संग में दिन रात बैठ के, कर लिया गात हराम तने के करना को ना काम तने, हाँ कर लिया गात हराम तने के करना को ना काम तने, तने एक पैर की पैरी सुन के करना को ना काम तने। शर्माणी चाहिए इतने, इतना बड़ा कुणबा तेरे साथ में है और तू एक तारा ठाकर के गलियों में घूमता है, ये गांव तेरे के थुकेगा, तेरे के कहेगा। अब देखो वो एक जमींदार है जो अपने घर के काम को छोड़ करके पता नहीं कहां लगा हुआ है, कैसे समझा रहे। इतना कौन भाग्य ला लाके, इतना कौन भाग्य ला लाके, तू बैठ गया एक तारा ठाके, बैठ गया एक तारा ठाके, तू के गायो काम तने हो करना को ना काम तने, ओ तू के गाये काम तने करना को ना काम तने, तने एक पैर की पैरी सू करना को ना काम तने। तुम्हारे को बोलना था बोल दिया, मैं तो कहती कहती हार गई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं मर चुकी हूँ, तुम्हारे वास्ते चाहे कुछ भी करो, कैसी बता रही है। जब तेरी आत्मा होली परसन, तेरी आत्मा होली परसन, तन समझा के मर लियो करसन, तन समझा के मर लियो करसन, के मिल जागा बता राम तने पैर की पैरी सो करना को ना काम तने,
कहते हैं कि धना भक्त ने मन में सोचा भगवत को अड़ोसी पड़ोसी सुनेगा तो हमारा मजाक करेगा, तो वो भक्तनी की बात को मान जाते हैं और सह परिवार भोजन करके जब सो जाता है। लेकिन भक्त को नींद कहाँ, उसका ध्यान तो वहां था। जब सब सो जाते हैं तो वो सत्संग में चले जाते हैं। आखिर वही काम हुआ, सवेरे नींद से देर से जगे और जगते ही फिर ध्यान स्नान करके पूजा में बैठ जाते हैं। अब वो जागनी गुस्से में आकर के उसको टोकती है पूजा करते वो एक बात के द्वारा, कैसे कह रही है, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के, 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 तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के। तन शर्म भक्त ना आती मेरी, क्यों फूक कैसे छाती, क्यों फूक कैसे छाती, तन शर्म गति ना आती मेरी, क्यों फूक कैसे छाती, तो क्यों फूक कैसे छाती, कर दूर के ना जाती मैं मरनी शर्म ओढ़ के, तेरे दूर के ना जाती मैं तो मरनी शर्म ओढ़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के। लोग पुआरा वो तेरा बाज रया एक तारा, वो बाज रया एक तारा, सब कर गए लोग पुआरा वो तेरा बाज रया एक तारा, यो बाज रया एक तारा, कस गुजरे चलेगा मारा तू बैठा कामन छोड़ के, ओ कस गुजरे चलेगा मारा तू बैठा कामन पांडे, तन खोले क्यों ना डांडे, तन खोले क्यों ना डांडे, इसे काम करे पंडित पांडे, तन खोले क्यों ना डांडे, वो खोले क्यों ना डांडे, तू तड़के खाइए मांडे तेरा धरू कथारा तोड़ के, तू तड़के खाइए मांडे तेरा धरू कथारा तोड़ के, पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हड़ जोड़ के।
बताते हैं, धर्मा भक्त की जो धर्मपत्नी थी वो उसको बता रही है, अगर आपने इतना काम, मैं शाम को आपको बोली थी कि कल आप सुते नहीं उठोगे, आपने सत्संग में नहीं जाना है, तब भी आप गए, आप क्या चाहते हो और क्या आप परिवार चलाओगे? जब इतने इतने मोटे हमारे घर पर आ जाते हैं, हमारा सारा अनाज खा लिया, हम क्या तेरे को खाएंगे? क्या बता रही है? ओ तेरे यहां में रोज के मोटे ये केला देंगे टोडे, तेरा केला देंगे टोडे, तेरे यहां में रोज के मोटे ये केला देंगे टोडे, तेरा केला देंगे टोडे, ना घर में दाने छोड़े ये काम से मूछ मरोड़ के, ना घर में दाने छोड़े ये काम से मूछ मरोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हल जोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हल जोड़ के, अपनी सूरत पलट ले और गुरु वचन पे डट ले, तो गुरु वचन पे डट ले, तो अपनी सूरत पलट ले और गुरु वचन पे डट ले, हाँ गुरु वचन पे डट ले, घर बैठ के कर सन रख दे के रहना सदा करोड़ के, घर बैठ के कर सन रख ले रहना सदा करोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हल जोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हल जोड़ के, तू पूजा पाठ करे जा दुनिया जाली हल जोड़ के। बताते हैं कितनी बात डाटने की सुनकर के ना बल क्या कहते हैं, सच्चे मन से भजन करोगे राम रखाला हो जागा, सच्चे मन से भजन करोगे राम रखाला हो जागा, सच्चे मन से भजन सतयुग में भी आया था, वो सतयुग में भी आया था, जिसने प्लाद बताया था, जिसने प्लाद बताया था, अरणा को समार गराया था, अरणा को समार गराया था, सुबह शाम रखाड़ा हो जागा, सच्चे मन से बदन करोगे राम रखाड़ा हो जागा, सच्चे मन से वचन करोगे राम रखाला हो जागा, सीता का पता लगा मणिया, सीता का पता लगा मणिया, जीवन को जावणिया, लक्ष्मण के प्राण बचावणिया, लक्ष्मण के प्राण बचावणिया, हनुमान रखाड़ा हो जागा, सच्चे मन से भजन करोगे राम रखाड़ा हो जागा, सच्चे मन से भजन करोगे राम रखाड़ा हो जागा।
का ज्ञान सुनाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। घन श्याम खड़ा हो जागा, सच्चे मन से भजन करो कर सन शर्मा गारा से, यो कर सन शर्मा।